आज हम जानेंगे ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। बताओ उसे कैसे करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हम ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को खुला छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ हम वोल्टमीटर, एमीटर तथा वाटमीटर लगाते हैं। ये सप्लाई के लिए है और इसकी दूसरी वाइंडिंग खुली है। उसके बाद देखते हैं वाटमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। ये वोल्टमीटर है, वो एमीटर और ये वाटमीटर। सबसे पहले वाटमीटर के एम और वी में हम मेन सप्लाई देंगे, फेस और न्यूट्रल। उसके बाद एम और सी को कॉमन कर देंगे, मेन लाइन और कॉमन को कॉमन कर देंगे। उसके बाद लोड एल फोर, लोड को हम एक एमीटर में ले जाएंगे और दूसरे को वोल्टमीटर में, ये वोल्टमीटर में और एमीटर में। ये फेस, फेस का तार है, इसको यहाँ ले जाएंगे। उसके बाद ये वाला न्यूट्रल, न्यूट्रल हम वोल्टमीटर में भी देते हैं क्योंकि वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, इसलिए इसको फेस और फेस यहाँ से और न्यूट्रल यहाँ से दोनों देते हैं। उसके बाद एमीटर सीरीज में लगता है तो इसको एक ही चीज़ देते हैं, इसको हमने दे दिया फेस। और इसके ये सीरीज में लगता है, इसके अंदर से होते हुए ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को हमने सप्लाई दे दी। ये वाला न्यूट्रल हम इसको ट्रांसफार्मर को दे देते हैं। अब जब हम सप्लाई ऑन करेंगे तब वाटमीटर जो रीडिंग देगा उसे हम आयरन लॉस मान लेते हैं। तो ओपन सर्किट हम किसे निकालने के लिए करते हैं, आयरन लॉस निकालने के लिए। फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं। और कॉपर लॉस का पता लगाने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम एक वाइंडिंग को मोटी तार से शॉर्ट कर देते हैं, मोटी तार लेके उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। बाकी एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर के कनेक्शन, एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर के कनेक्शन सेम रहते हैं तथा सप्लाई में हम ऑटो ट्रांसफार्मर देते हैं। सप्लाई में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम सप्लाई देते हैं। धीरे धीरे हम ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ाएंगे और करंट को मैक्सिमम करंट तक ले जाएंगे तथा इसको वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ हम वाट मीटर की रीडिंग को नोट करेंगे ताकि यह पता चल सके कि कितने लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा। यह ट्रांसफार्मर 1 KVA का है, 1 KVA का मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर। तो हम इससे मैक्सिमम करंट निकालेंगे तो करंट आएगा 1000 डिवाइड बाय 200, यानी कि लगभग 5 एम्पियर। तो हम 0 से लेकर करंट को 5 एम्पियर तक बढ़ाएंगे तथा हर पॉइंट पे वाटमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। वाटमीटर की रीडिंग हमें कॉपर लॉस के बारे में बताएगी। चलिए देखते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट को 5 एम्पियर तक ले जाते हैं तथा वाटमीटर की रीडिंग नोट करते हैं। ये देखिए करंट अभी 0 है, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट हमारा, करंट बढ़ेगा। ये देखो हमारा 5 एम्पियर करंट हुआ है, इसको धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे। अभी अभी वाटमीटर कॉपर लॉस दिखाएगा, ये देखो लगभग 300 वाट कॉपर लॉस है, मैक्सिमम लोड पे 300 वाट। और जैसे जैसे करंट को कम करेंगे ये हमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कॉपर लॉस के बारे में बताएगा। अलग अलग लोड के लिए कॉपर लॉस अलग अलग होते हैं।